बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह खैरियत से होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। दोस्तों, आज तो सर्दी की ना हद ही हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। और एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि आप अपने कबूतर और मुर्गियां नहीं दिखाते। तो मुर्गियाँ तो वैसे चलती फिरती रहती हैं बाहर, लेकिन कबूतर केज में से ना बाहर ही नहीं आते। ये देखें, सर्दी की वजह से ये देखें, और दो ऊपर हैं बस। अब ना सिर्फ चार कबूतर हैं, बाकी हमने ना दे दिए हैं, क्योंकि सर्दी बहुत है। तो हमने कहा सर्दी से ना ये बीमार शीमार ना हो जाएं और मर ना जाएं, तो फिर बाद में इंशाल्लाह फिर ले आएंगे वापस। तो अभी हमारा बालू और स्वीटी देख रहे हैं कि हमें ना चारा दे दिया जाए। अब चारे का टाइम भी हो गया है, आज मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, मैं कहीं गया हुआ था। तो अभी इनको डालते हैं जी चारा। ये खुली साफ़ कर लेते हैं जो हमने गाड़ी थी। अब ना पहले तो हम इसको उल्टा के ना ये चारा वगैरह पुराना निकाल लेते थे, लेकिन अब हाथ से ही साफ करना पड़ेगा इसे। दोस्तों, यहाँ से मैं ना चारा डाल लेता हूँ। ओह वाह, ये देखें दोस्तों, अब ना मुर्गियाँ यहाँ चारे पे अंडा देने लग गई हैं। तो इसको उठा लेते हैं। आजकल तो दोस्तों अंडा बहुत महंगा बिक रहा है। ये लो मोइस, अंडा खाओ और सर्दी से अपना करो बचाओ। चलो ले जाओ इसे, तोड़ ना देना। अच्छा, तो पहले ना बकरियों को डालते हैं, फिर बाद में ना उनको डालेंगे। करो फिर ओपन, बुराक को भी खोल लोगे, मारेगा तुम्हें। ये ईंट तो हटा लो यार। चलो 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 चलो, हजे हजे। तो दोस्तों, इनको ना चारा डाल दिया है हमने, और जब से हमने ना खुरली गाड़ी हुई है ना, तो हमारी स्वीटी नहीं उल्टा सकी इसे। लेकिन दोस्तों, खुरली से ना इसका कीला थोड़ा दूर है, तो ये कीला हम ना नज़दीक कर देते हैं। या ऐसा करते हैं कि दो कीले ना बाहर लगाए हुए थे हमने खाले के ऊपर, जब हम भैंस वगैरह वहाँ पर बांध के नहलाते थे ना, तो वहाँ लगाए हुए हैं। तो वो उखाड़ के ना यहाँ ले आते हैं और यहाँ पर ठोक देते हैं। मोहित आओ यार, हथौड़ा ले कर आओ, हथौड़ा लेकर आओ उधर से, वो पड़ा हुआ है, ये कह रहा था हथौड़ा। आ जाओ बाहर से ना किला लेके आए, क्योंकि और नया तो हमारे पास नहीं है, तो वही उखाड़ करना। यहाँ गाड़ देते हैं। ये देखें, ये दो किले लगे हुए हैं, एक ये और दूसरा ये। तो ये दोस्तों उखाड़ते हैं। ओ, ये तो टूट ही गया, ये पकड़ो। चलो वो ही अब लेना पड़ेगा, ये तो पकड़ो ना, ये जला लेंगे। ये उखाड़ के देखते कहीं ये भी टूट ना जाए, है ना। अच्छा। दोस्तों, आवाज़ें तो इसकी ना बुरी आ रही हैं, ये देखें। इ, 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 इ। ये नहीं यार उखाड़ा जाएगा। दोस्तों, कोशिश करते हैं इसको उखाड़ने की, ये सही सलामत निकल आए, टूटे ना। इ, 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 दोस्तों ये ऊपर से टूट गया हुआ है, ये भी नाकाम हो गया। ओ, निकल आया निकल आया। तो फाइनली दोस्तों हमने निकाल लिया, लेकिन ये ना ऊपर से थोड़ा सा टूट गया हुआ है। चलें कोई बात नहीं। तो अभी दोस्तों इसको ना ठोक के हम देखते हैं, अगर तो ये टूट गया तो फिर तो नाकाम है, अगर सही सलामत ये ना ठोक गया ना तो फिर सही रहेगा। यहाँ पे हम ना इस जगह पे लगा देते हैं इसे, यहाँ पे ठीक रहेगा मोइस। हाँ जी, एक ये चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह तो फाइनली दोस्तों ये ना तोड़ फोड़ करके ना हमने इतना सा गाड़ ही दिया, ये अब नीचे से ना उठा लेते हैं। कहाँ, ये चोट नहीं है, ये सुबह सुबह कव्वे आते हैं ना, तो वो यहाँ से ना नोच लेते हैं कव्वे। ये ना दोस्तों सुबह सुबह कव्वे जब आते हैं ना, तो ये नोचने लग जाते हैं, इनको ना सुकून मिलता है भैंसों को, क्योंकि कई दिनों से इनको नहलाया नहीं ना, तो खारिश भी होती है,
लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इनको नहलाते नहीं हैं। तो ये ना थोड़ा सा नोचा हुआ है किसी कव्वे ने, ये देखें इसे भी यहाँ पे ना ज़ख्म किया हुआ है, ये देखें इस जगह पे। अब जिस वीटी को ना इस किले पे कर देते हैं, ना खाओ इसे। चलो भाई अब तुम्हें आसानी से खा लो भी यहाँ से चारा। तो अब दोस्तों ये ना आसानी से यहाँ से ना चारा खा लेगी। चलो खाओ चारा, वो शबीर को देखने लगी है। तो बालू हमारा बिल्कुल ठीक है, यहाँ से देखे ना इजी होके ना ये चारा खा रहा है। अभी हम इसको ना मुंह से नहीं बांधते। तो ये देखें शरारतें करने लगी है किले के साथ। ना करो इसे, तोड़ेगी ना कर स्वीटी। ये देखो मोईद, मोई ये देखो इसका काम। बालू ना करो, कहीं तुम्हें ना मार दे। हटो हटो स्वीटी। ऐसा करते हैं कि हम इससे ना दूर हो जाते हैं, फिर ये खाएगी, है ना। आ जाओ इधर साइड पे हो जाए, क्योंकि ये हमें देख के भी ना मच्छर जाती है। और मुर्गियों के काम देखें इधर। चलो यार इनको निकालो, सारी मुर्गियों को बाहर निकालो। दोस्तों ये ना बकरियों को चारा ख़राब कर देती हैं, तो इनको ना हम उधर निकाल कर ना ये दरवाज़ा बंद कर देंगे। आ जाओ इधर आ जाओ, चलो साइड पर हो जाओ। चलो 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 चलो, दरवेश को भी निकालो। चलो दोस्तों इनको ना पुराना गुड़ देना है, वो सर्दी के लिए ना बहुत अच्छा होता है इन जानवरों को। तो पुराना गुड़ जो काला सा होता है ना, वो घर पड़ा हुआ है, तो वो अभी थोड़ी देर बाद में ना जब चारा वगैरह खा लें तो वो देते हैं इन सब को। भालू को भी देंगे और स्वीटी को भी देंगे। तो देखते हैं कि हमारा भालू जो है वो क्या क्या खाता है, तो इसे पता चल जाएगा कि गुड़ भी खाता है कि नहीं। तो बाकी रोटी वगैरह भी उसको ना दे के देखते हैं। ये क्या चीज़ है? ये दोस्तों कूड़े को ना ढांपा हुआ है ऊपर से, ताकि मुर्गियां ना इसे ख़राब ना कर दें। तो इसको जी पहले फेंक आते हैं, सपुर्दे रूढ़ी कराते हैं इसको। चलो मोहित जाए, आना है मेरे साथ, आना है। ये दरवाज़ा बंद करके आना, फिर मुर्गियां चली जाएंगी इधर। यार दरवाजे को बंद करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे कुंडी लगानी है। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, बस अब कुंडी कुंडी लगा दो, बस बाहर ही लगा दो, बाहर ही लगा दो। चलो बस छोड़ दो, लो अब ठीक रहेगा। चलो भाई ये अभी तक ना दोस्तों ऐसे ही करी जा रही है किले के साथ, चारा नहीं खा रही सुकून से। अभी मैं आपको ना कबूतर दिखाता हूँ, ये देखें नीचे आए हुए हैं। ये देखें ये सर्दी से ना ऐसे ही रहते हैं, तो कम ही बाहर निकलते हैं। और ये लक्के ये प्योर तो बाहर निकलता ही नहीं ना, बहुत कम निकलता है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी हमने सारे दे दिए, फिर ले आएंगे जब इंशाल्लाह थोड़ा सा मौसम सेट होगा ना। तो अभी दोस्तों मैं ना इनको चोकर डालने लगा हूँ, ताकि ये जल्दी जल्दी खा लें चोकर के बहाने से। ओहो हो गोलू तुम ये क्या कर रहे थे, तुमने अभी गिरा देना था। ये पकड़ना मोईज, अब ये ना चोकर के लालच में ना जल्दी जल्दी चारा ख़त्म कर देंगे और इनको ना टाइम के साथ ही ना अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मिट्टी के बर्तन है, इसे चाटी कहते हैं। तो इसमें ये देखें पुराना गुड़ पड़ा हुआ है, तो ये हम ना लेके जाते हैं अपने जानवरों को देने के लिए। ये ना इस कोले में डाल लेते हैं कटोरे में, इतना काफ़ी हो जाएगा। तो दोस्तों ये गुड़ मैं ना इनके लिए ले आया हूँ, अब ये भी ना मांगने लग गई हैं। ये देखें ये लो भाई, ऐसे नहीं इसको ना थोड़ा थोड़ा तोड़ के देते हैं। इन डेलियों को ना छोटा 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 कर लेते हैं, क्योंकि ये बकरियों को देनी है ना, तो ख़राब ना करें। एक दो तीन चार पांच डेलियां हमने कर ली हैं। तो अभी ये इनको दे के देखते हैं कि कौन कौन खाता है और कौन कौन नहीं खाता। ओहो हो एक डेली नीचे गिर गई। ये लो भाई सबसे पहले हमारा गोलू खाओ। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, दोस्तों गोलू ने खा लिया, बाली ने खा लिया, गोलू ने नहीं खाया सॉरी बराक ने खा लिया है। ये लो गोलू ये लो, कालू खाएगा, खा लो। टिमटिम बहुत ना मुश्किल में है, उसे देते हैं। ये लो भाई टिमटिम। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, गोलू ने भी खा लिया है, तकरीबन सब ने खा लिया है। ये लो छोटी, ये लो कालू, तुम भी लो। बाकी ना इसके अंदर फेंक देते हैं, खुद ही खा लेंगे ये।
चलो थोड़ा थोड़ा। अब जी चलते हैं जी स्वीटी और बालू की तरफ, तो उसे भी चेक करते हैं कि वो खाते हैं कि नहीं। तो ये भी दोस्तों मांग रहे हैं कि कोई चीज़ आई है, तो अभी दुआ है कि ये खा लें बस। ये लो स्वीटी। नहीं दोस्तों ये नहीं खा रहे। ऐसा करते हैं कि इसके ना मुंह में देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये ना चबा के खा लेगी। ये देखें मैंने ना इसके मुंह में डाल दिया है डेली को। ये देखें खा रही है माशाल्लाह। खा लो खा लो खा लो शाबाश। फाइनली दोस्तों हमारी स्वीटी ने ना निगल लिया है पूरे माशाल्लाह। चलो अभी अब ना बालू को देते हैं। इसे एक ही बहुत है, काफ़ी है। तो बालू थोड़ा मुश्किल में है लगता है, इसका मुँह भी नहीं पकड़ा कभी। चलो ऐसा करते हैं कि इसको दो कर लेते हैं। स्वीटी माशाल्लाह और मांग रही है दोस्तों। ये लो खा लो फिर, खुद तो तुम खाती नहीं हो। माशाल्लाह ये तो खाने लग गई है दोस्तों। ये देखें बाद में तुम्हें देता हूँ, पहले मुझे ना बालू को दे लेने दो। ये लो भाई बालू चबा लो। अच्छा है तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी इससे। मुंह तो ऊपर उठाओ दोस्तों, ये ना मुंह ही नीचे करी जा रहा है। ऊपर उठाओ दोस्तों। इसने भी माशाल्लाह ना थोड़ा बहुत खा लिया है, थोड़ा सा इसने ये ना नीचे गिरा दिया है, ज़ाया कर दिया है। स्वीटी को ना मैं एक डली और देने लगा हूँ क्योंकि ये ना खुद मांग रही थी। चलो स्वीटी खा लो। तो थोड़ा सा इसे और दे दिया है, अब काफ़ी रहेगा इसके लिए। तो ये बच गया है, ये वापस रख देते हैं, फिर दोबारा इंशाल्लाह इनको देंगे दो तीन दिन के बाद। इससे ना इनको ना थोड़ी सर्दी कम लगती है। ये गुड़ गर्म जो है ना ये बहुत अच्छा होता है इनको सर्दियों में जानवरों को। लेकिन हो पुराना काला, इस तरह का पुराना पड़ा हो, एक साल पुराना या दो साल पुराना, जो नया गुड़ होता है ना सफ़ेद, वो नहीं सही रहता इनको, ये पुराना सही रहता है। तो दोस्तों ये मैं रोटी लेके आ गया हूँ, अभी चेक करते हैं हमारा बालू खाता है कि नहीं। ये लो भाई मोइज, ये पकड़ना आदि, इधर से पकड़ो, आधी आधी करके देते हैं इसे। लाओ चलो। ये लो भाई बालू, अभी ये डर गया है क्योंकि इसे ना गुड़ दिया था, तो ये कह रहा है कि फिर से मुझे गुड़ देने लग गए हैं, तो इसलिए डर रहा है। ये देखें माशाल्लाह खा गया दोस्तों। मोहित खा ली इसने यार। लाओ ये भी दें। स्वीटी नहीं खाती दोस्तों, ये देखो स्वीटी नहीं खाती। ये लो भाई बालू तुम तो खा लो। जैसे हमने गुड़ दिया है ना स्वीटी को, ऐसे अगर करें ना इसके मुंह में अंदर डालें तो फिर ये ना निगल लेती है, और ना ऐसे नहीं खाती जैसे हमारे बालू ने खाई है। तो अभी दोस्तों मैं ना मुर्गियों को और कबूतरों को ना अंदर बंद करने लगा हूँ क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। चलो अभी अपने केज में, अपने अपने केज में चलो। शाबाश, ये जो वाइट है ना ये उड़ जाते हैं, अगर ये चले गए ना अपने केज में तो फिर सारा काम ना सेट हो जाएगा। चलो अभी चलो शाबाश। ये देखें दोस्तों ये फिर ऊपर गए दोनों। चलो चलो केज में, सर्दी है अभी, कहते हैं कि हम ना बाहर ही रहें बस। चलो 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 शाबाश, शुक्र है ये भी गए। तो इनका दोस्तों ये वाला केज है, तो ये ना खुद ही इसके अंदर आ जाएंगे तो फिर इनको ना बंद कर देंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।